नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर खड़े हैं पाइंस के छतरी बैंड, ये देखिए। और पिछले दिनों यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था, आधा पहाड़ ये जो दिख रहा है सामने इसका पीछे वाला पोर्शन जो है वो गिरा था, जिसमें रोड भी पूरी नीचे गिर गई थी, जिसको जिला प्रशासन द्वारा जो है बिल्कुल मरम्मत करके नई रोड बनाई गई। और आज इस पर कुछ और मरम्मत कार्य चल रहा है, चलिए देखते हैं। और अभी सब ट्रैफिक रोका है, मेरे ख्याल में गाड़ियाँ भी पास कर रहे हैं इधर से उधर उधर से। क्या है बस, बढ़िया। ये यहाँ तक ट्रैफिक को रोका हुआ है और मरम्मत कार्य प्रगति पर है, चलो देखते हैं आगे कैसा है। ये रस्सियाँ डाली हुई है और इससे पेड़ खींचा जा रहा है ऊपर। पेड़ को काटा जा रहा है क्योंकि इसके गिरने का खतरा है, कभी भी बारिश में गिर सकता है। और बहुत रिस्की काम जो है ये, इसको अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन करना भी ज़रूरी है क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ से लटका हुआ पेड़ है और कभी भी गिर सकता है, जिससे कोई जनहानि की भी संभावना पूरी रहेगी। इसलिए प्रशासन द्वारा ये काटा जा रहा है ताकि ये समस्या भी ख़त्म हो जाए। अब कितना बेहतर हो सकता है ये देख के ही पता लगेगा। ये रोप से जो है ऊपर इसको खींचा जाएगा, मेरे ख्याल में बुलडोजर रोप को खींचेगा और ये इसको बांध दिया गया है। और अब ये मुझे तुम्हारी गाड़ी के द्वारा इसको खींचा जाएगा। चल के दे दो, चक्कर दे दो, तो तुम वहाँ कहाँ चले गए? अच्छा, ट्रैफिक को ये रस्सी को खींचा गया गाड़ी के द्वारा। तार बांधा इसमें रस्सी के साथ ताकि इसका जुड़ाव बना रहे और इसको गाड़ी के आगे वाले पोर्शन पे जोड़ दिया जाएगा JBC के, और उसके बाद गाड़ी को चला के इसको पेड़ को खींचा जाएगा, जिससे ये पेड़ जो है इसको काटा गया होगा और खींच के जो है नीचे गिर जाए। अभी की स्थिति बिल्कुल ऐसी है। पूरा बांध लिया गया है मशीन से, तार और रस्सी को दोनों साथ, ताकि ये पेड़ को खींचा जा सके। ये रस्सी जा रही है हमारी, ये ऊपर पेड़ में बंधी है। अब इसकी खिंचाई होगी गाड़ी के द्वारा। गाड़ी के साथ पत्थर भी आएगा नहीं आएगा ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसके लिए इंतज़ार करना होगा। और अब बिल्कुल तैयारी, भाला करो।
बड़ी गाड़ी चल रही है, धीरे धीरे पेड़ को खींचा जा रहा है नीचे नीचे। पेड़ गिर गया, पेड़ ही पेड़ गया भाई, कितने दल इतना मजबूत है यार, टूट जाएगा। जैसे कि सोचा था कुछ पहाड़ भी आएगा, लेकिन पहाड़ बहुत मजबूत पहाड़ है ये, वही एक इत्तफाक रहा है कि पहाड़ कट के गिर गया ना सारा रोड गिरी, तो नीचे तो बहुत मजबूत पहाड़ है, कुछ एक भी चूरा नीचे नहीं आया, चूरा नहीं आया पत्थर का, पेड़ सूखा ही था देख रहे हो तुम, सूखा कहाँ है यार, गीला पेड़ है वो, पूरे पत्ती है उसमें, वो मजबूत है ना ऊपर बहुत। रॉक वैसे ही बना रहे पेड़ शायद ये निर्देश देते हुए, वहाँ मजदूर जो ऊपर काम कर रहे थे सब्बल को इस रॉक को गिराया जा सके जो फंसा हुआ है यहाँ पर टॉप पर, और दोनों तरफ से ट्रैफिक भी रोका हुआ है ताकि ये काम ठीक से अंजाम दिया जा सके। और इसमें और हमारे अधिकारी क्या बेहतर कर सकते हैं, अभी उसकी भी तैयारी चल रही है कि पहाड़ को कैसे भी ये जो पर टॉप में इसको गिराया जाए, लेकिन अब गिरेगा कैसे ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। कहा जा रहा है मजदूर जो है इसमें थोड़ा सा सब्बल अब्बल से छेद करके और इसमें भी जो है रस्सी बांध के इसको नीचे गिरा लें। और ट्रैफिक दोनों तरफ से पूरी तरह से रुका हुआ है, ये भवाली रोड की तरफ से देखिए उधर तमाम लोग जो है ट्रैफिक के लिए रुके हुए हैं कि कैसे ये रास्ता साफ हो और फिर पार जाएगा। ये देखिए ऊपर मजदूर चढ़ गया है और ऊपर जो है वो तमाम कारीगर आ गए, क्योंकि पहाड़ को गिराया जाना ज़रूरी है और ये पहाड़ जो बिल्कुल खड़ा हुआ है, बारिश बारिश में गिरने की ज़्यादा संभावना रहेगी और मुझे लगता है कि वहाँ खुदाई करेगा। और पहाड़ियों की बड़ी जबरदस्त जिंदगी होती है, संघर्ष साथ साथ जुड़ा होता है, और देखिए तो टॉप में चढ़ के वो इस पहाड़ को गिराने का प्रयास कर रहा है। और ये पेड़ जो ऊपर से गिराया था इसको किनारे भी गिरा जाता है, यहाँ से नीचे इसको फेंक दिया जाएगा या लकड़ी को यूज़ कर लिया जाएगा, इसलिए किनारे किया जा रहा है। और ऊपर दो मजदूर ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ये पहाड़ को गिराया जाना है कैसे भी, एकदम बिल्कुल सर पे खड़ा है और ये गिर जाएगा तो थोड़ा सा रिस्क कम हो जाएगा। इस पहाड़ को गिराया जाना है जिस पे खड़ा है, मिल रहा है, गिर रहा थोड़ा ऊपर का है, ऊपर का है थोड़ा सा, उधर काटा नीचे गड्ढा किया होगा ना उन्होंने, लेकिन बहुत जबरदस्त रिस्क वाला काम है, मतलब अपनी जान जोखिम में खड़े होके वो जो है इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अच्छा उसको बांधा होगा उसने अपने आप को पीछे पेड़ में, ठीक ठीक हाँ ऊपर भी खड़ा हुआ होगा हाँ।
अरे वीडियो अब कितने 4 महीना में अरे जा तू खतरा हो रहा तू खतरा नहीं हो रहा शादी के लिए हुआ खतरा अरे मुझे कॉल है हां अच्छा चलो है जनरल वाले हो गए अरे चुप क्या कर रहे हो सुन ले बस गए ये घाटी है सर, ये जो रोड दिख रहा है ना, ये सीधा रास्ता था ऐसा, पूरी रोड गई है और ये इस पर रॉक था जो काटा है। हाँ ये रॉक था ये जहाँ पर रोड कटी है, तो बहुत स्पीड से काम हुआ है यहाँ। ये आया मजदूरों ने पूरी टीम बनाई हुई है अपने जान जोखिम में डाल के, जो इतना जबरदस्त काम ये कर रहे हैं। हमारे जीवन को सरल बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देखो साहब पर भी बिल्कुल पत्थर लटके हुए हैं और ये किसी समय भी आएंगे, शायद इस पर भी काम होना बाकी है। पहाड़ की ये स्थिति है, ये जो खोल बना हुआ ये जरा डरावना है, बिल्कुल सर के ऊपर है। ये यहाँ जो पेड़ था ये तो आज गिरा दिया गया, लेकिन अब ये खोल बाकी है और इस पहाड़ का हमेशा रिस्क बना रहेगा जब तक ये गिर नहीं जाता। संभवतः अब रोड खोल दिया जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और इसको बात के लिए छोड़ दिया गया है या फिर बरसात के लिए छोड़ दिया गया, ये ट्रैफिक खुल गया और टू व्हीलर्स के भीड़ हमारे जो है ये सबसे ज़्यादा पहले, इन्हें बहुत जल्दी है और इन्होंने पार किया। ये देखिए कितना ट्रैफिक यहाँ रुक गया है। अभी लकड़ी अकड़ियाँ पड़ी हैं लेकिन वो भी उठाने नहीं दी और ट्रैफिक चल पड़ा। खतरा ये अभी बना रहेगा, खुलने दो भैया तब डालू, सबको जल्दी होती है। और सबसे ज्यादा भीड़ वहीं लगाएंगे जहाँ दोनों तरफ से लगा के, बेकार है यार, पता नहीं क्या एक साइड
पीछे वालों को ही खोला पहले, ये टू व्हीलर वाले भाग गए। बड़ा भाई बड़ा, इसको फटाफट बढ़ाते तो अभी अब और काम होने बस। अरे थोड़ा आगे को लेने लगना वहाँ। अरे जब उन्हें भी परवाह नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर रुकेंगे, देखो ये खड़े हैं और ऊपर वैसा हो रहा हूँ गिरने वाला जैसा। और ये जाम की स्थिति हर आदमी को जल्दी होती है, और खुद ही जो है जल्दीबाजी में जो है अपना देरी वाला प्रोग्राम तय कर लेते हैं। और ये यहाँ अगर दूसरी तरफ से भी गाड़ी फोर व्हीलर आ जाएगा तो यहाँ जाम और ज़बरदस्त लग जाएगा। और रास्ता ऐसा है कि एक ही गाड़ी निकल सकती है इसमें, पता नहीं किस बात की जल्दी रहती है हमें। सर नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। वीडियो बना रहे हैं? हाँ वीडियो बना रहे हैं। और ओके सर, चलिए अब आगे का हाल जैसा भी इसमें बेहतर होगा वो आपको और दिखाते हैं, जिस समय भी इसमें कोई रिपेयरिंग काम होता है जब भी होता है उसकी वीडियो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। क्या हाल है सर? ट्रैफिक भी इधर से जाने की स्थिति में अभी नहीं बना है, धीरे धीरे अभी एक साइड का अब ट्रैफिक छोड़ा है और गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। ये लगभग एक दो किलोमीटर का जाम जरूर लग गया होगा, क्योंकि ऊपर नैनीताल भी गाड़ियां नहीं रोकी हैं, भवाली भी गाड़ी नहीं रोकी है, और यहीं पर गाड़ियां रुकी हैं तो बहुत लंबा जाम यहाँ लग गया होगा। नैनीताल की रूट संबंधी या जो हमारे पर्यटक स्थल हैं उसके संबंध में हम समय समय पर जानकारी देते रहते हैं, आगे भी देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को रेगुलर देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी होती रहे, और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।